हल्द्वानी के गौजा जाली क्षेत्र में मौजूदा श्रद्धा महिला एवं बाल विकास संस्था की कार्यकर्ताएं इन दिनों होली पर्व को लेकर खासी उत्साहित हैं। संस्था में कार्यरत महिलाएं चुकंदर, पालक, लाई, गाजर, गुलाब की पंखुड़ियां, हल्दी, गेंदा, बुरांस, पुदीना आदि से हर्बल रंग तैयार कर रही हैं। संस्था के अध्यक्ष पुष्पा कांडपाल ने बताया कि यह प्रयास पहली बार किया जा रहा है और काफी ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। बेंगलोर और यूपी से ऑर्डर आए हैं। 50 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक के पैकेट में तैयार करके इन रंगों को बाहर भेजा जा रहा है। यहां कार्यरत महिलाओं ने बताया कि इन रंगों को तैयार करने में महज एक हफ्ता लगता है। इन रंगों को बेसन, मैदा और चावल के चूर्ण के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। रंगों के प्रयोग से किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रंगों को तैयार करने की विधि के बारे में बताते हुए पुष्पा बताती हैं कि फूलों और पत्तेदार सब्जियों को पानी के साथ उबाला जाता है और फिर इस पानी को सुखाया जाता है, जिसके बाद गुलाब के पत्तों के अर्क को इन रंगों में मिलाया जाता है, जिससे इन रंगों में गुलाब की सुगंध शुमार हो जाती है। बहरहाल इन रंगों की बढ़ती मांग को देखते हुए महिलाओं के चेहरे खिले हुए हैं और वे अब तक 27 किलो हर्बल कलर तैयार कर चुकी हैं। मैं यहाँ काफ़ी समय से ये काम कर रही हूँ, जिसमें होली के कलर बन रहे हैं, जिसमें और भी महिलाएं हैं, और ये हमको लग रहा है कि अच्छा सा हमको एक इसमें रिस्पांस मिलेगा लोगों को। और जो पत्तों से और ये गेंदे के फूल से, फूलों से सब कुछ हम लोग बना रहे कलर, तो उस हिसाब से आगे में हम लोग को बढ़ने का भी चांस मिलेगा। हम लोग यहाँ पर होली के कलर बना रहे हैं। हम लोग बहुत अधिक महिलाओं के साथ यहाँ पर अब लोग हम कलर बना रहे हैं इसको, और इसका हमको मार्केट में बहुत अच्छा इधर उधर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और हम सोच रहे हैं कि आगे भी हम इस काम को इसी तरह के इस काम को महिलाओं के सहयोग से अगर इस काम को करते रहें तो हम आगे को इस काम को अधिक बढ़ा सकते हैं। हमने पहली ये शुरुआत करी सारी महिलाओं ने मिल करके, हम हर्बल कलर तैयार कर रहे हैं घर में, जो कि चुकंदर और पालक, एलोवेरा और बुरांस, कई चीज़ों के मिश्रण से बन रहा है, और इनको जो बनाने की विधि है ये हम सारे फूलों को, ये जो भी गाजर, चुकंदर, ये चीज़ें हैं, इनको कस करके इनका पानी निकाल करके और मैदे में या मडवे में के आटे में या अरारोट के आटे में, मक्के के आटे में, चावल के आटे में इनको मेस करके फिर आराम से इसको धूप में 3-4 दिन के लिए सुखाने के बाद हमको ये बड़ा अच्छा चूर्ण टाइप का इसका मिल जा रहा है, जो कि वो चूर्ण फिर और बारीक करने के लिए हम इसको मिक्सी में पीस करके, और सुगंध के लिए इसमें हमने गुलाब के फूलों का भी रस निकाल रखा है, जो कि आजकल वैसे भी गुलाब खूब खिला हुआ है सीजन के टाइम पर, तो इसके सुगंध इसकी हमको गुलाब की रोज उसकी मिल जा रही है, तो उसमें ये मिला करके हर्बल कलर बहुत ही सुंदर कलर हमको मिल रहे हैं, जो कि बाज़ार की अपेक्षा बिल्कुल, बाज़ार में आजकल हर प्रकार के केमिकल मिक्स कलर आ रहे हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट होने का डर लगता है, लेकिन हमने जो पहल करी इसमें जो घरेलू उत्पाद से जो तैयार हो रहा है, तो ये बिल्कुल केमिकल, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, सब ये घर से बने हुए पदार्थ हैं।